Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are moving ahead with indefinite integration, where mainly our focus would be on these three formulas that I believe you might be knowing, right? कभी भी अगर तुम्हारे पास आपके पास जैसे chain rule of differentiation हुआ करता था, यहाँ पे chain rule of integration नहीं होता. यहाँ पे हम लोग substitution use करते हैं to deal with such questions, ठीक है? अगर कभी भी हमारे पास f of gx है, एक कंपोजिट फंक्शन है, राइट, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है और साथ में हमें g डैश x दिख रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है? f of u du, ठीक है? Where what is u? U is g of x, ओके? एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज करो आपके पास इन्होंने बोला व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, या फिर इसको ऐसे समझो दिस इज साइन एक्स होल रेज टू द पावर 3 इनटू कॉस ऑफ एक्स डीएक्स, राइट. अब यहां पे क्या है, ये अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ दो फंक्शंस हैं. एक क्या है आपके पास, ये है साइन एक्स होल क्यूब, ये एक्स की पावर एन लग रहा है, राइट. कंपोजिट फंक्शन अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं जी एक्स को क्या बोलूंगा, मैं जी एक्स को साइन एक्स बोलूंगा, ठीक है, और एफ एक्स को क्या बोलूंगा, एक्स क्यूब बोलूंगा. सो ये जो साइन एक्स की होल क्यूब है, ये बात हमें समझ में चाहिए, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉग एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है. और अगर मैं जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे कॉस एक्स साफ साफ दिखता है, ठीक है. दिस वुड गिव मी व्हाट, दिस वुड गिव मी साइन एक्स होल रेस टू दी पावर 3+1 विच इज 4 अपॉन 3+1, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है. तो कंपोजिट फंक्शन में अगर हमारे पास उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आता है, आंसर आता है. सपोज करो तुम्हारे पास कभी भी कुछ ऐसा है, f dash is upon fx, कुछ भी ऐसा है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, राइट. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, f of log of fx plus c. अगर आपके पास fx raised to the power n है और यहाँ पे f dash x है, तो इसकी वैल्यू, ये बिल्कुल सेम डिटो सेम क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये कौन सा है, साइन एक्स की पावर 3, एफ डैश एक्स व्हाट, कॉस एक्स. तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है. इस तरीके से हम स्ट्रेट अवे ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं. इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आइए आपके साथ डिस्कस करता हूँ, राइट. कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है. जैसे कि आप लोगों को ये जरूर से पता होगा What is the integration of sin x with respect to dx? आपको ये भी बता होगा what is the integration of cos x with respect to dx? और शायद आपको ये भी पता होगा what is the integration of tan x or might be cot x, ठीक है. बट जब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और sec x की इंटीग्रेशन देखते हैं या फिर cos x की इंटीग्रेशन देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन की कुछ बातें यहाँ पे समझनी पड़ती, राइट. जैसे आप लोगों ने ये अभी अभी सीखा कि अगर हमारे पास कुछ भी इस फॉर्म का होता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा केस है. तुम एफ एक्स को टी लोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी से रिप्लेस होगा, ये कौन सा फॉर्म आएगा, डी टी अपॉन टी, एंड हेंस द आंसर इज एल एन टी, नेचुरल लॉग ऑफ टी, ठीक है. एंड दैट इज द रीजन हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, लॉग ऑफ एफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है. दिस इज व्हाट वी गेट. तो साइन एक्स का तो तुम्हें पता ही है, साइन एक्स का कितना हो जाता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाता है, राइट. क्यों, क्योंकि कॉस एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, सिंपल सी बात है. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा. ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आई एम श्योर आपको ये सब ध्यान में है. टैन एक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब कोई भी ऐसा फंक्शन मैं नहीं जानता हूँ, सिंपल सा फंक्शन, जिसको कि जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे tan x मिल जाए, जैसे कि sin x और cos x का पता था, है ना. तो ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सोचते हैं तो दिखता है कि tan x क्या है, tan x हमारे पास sin x upon cos x है, राइट, sin x upon cos x है. तो अच्छा, cos x को अगर मैं fx लूं तो f dash x क्या आएगा, माइनस sin x. अच्छा, मैंने माइनस sin x कर दिया, अब ऐसे तो है नहीं कुछ भी कर ले, तो माइनस वन से मैंने बाहर मल्टीप्लाई भी किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. Now this is of the form f dash x upon fx, which certainly is what, minus sign बाहर है आपके पास, और ये कितना हो जाएगा, ln of fx. What is fx? Cos of x, ठीक है. So minus of log of modulus of cos x,
लॉग को हमेशा मॉडुलस के अंदर रखते हैं ना, बिकॉज लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ मैंने माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ थ्री, कुछ बुक्स में ऐसा दिखा होता है, कुछ बुक्स में ना किसको चेंज भी कर देते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये माइनस वन जो है, इस माइनस वन को कहाँ लेके जाओगे, यहाँ माइनस में लेके जाओगे, है ना। आप तो ये जानते होंगे राइट, दैट अगर आपके पास एन लॉग ऑफ ए है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर एन। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट, ठीक है, आई होप एवरीवन नोस दैट। तो दिस वैल्यू कुड बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज व्हाट, लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर माइनस वन, और पावर माइनस वन का मतलब क्या होता है, वन बाई कॉस एक्स होता है ना। किसी भी चीज की वैल्यू जब हम माइनस वन करते हैं तो क्या होता है, माइनस वन अपॉन दैट हो जाता है। तो इसीलिए आप कुछ बुक्स में ऐसा भी देखेंगे, इसको लॉग ऑफ सेक एक्स भी लिखते हैं। तो इफ यू रिमूव द माइनस साइन फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स, यू गेट व्हाट, लॉग ऑफ सेक एक्स। इफ यू कंसीडर द माइनस साइन, इट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। सो डू रिमेंबर दिस, ओके, डू रिमेंबर दिस रिजल्ट। अब कॉटेक्स, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कॉटेक्स क्या होता है, कॉटेक्स हमारे पास होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दिस इज आवर कॉटेक्स, करेक्ट। अब साइन एक्स अगर मेरे पास एफ एक्स है तो इसका एवरेज तो कॉस एक्स ही है, तो ये तो सीधा सीधा एल एन ऑफ एफ एक्स आ गया, लॉग ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज साइन एक्स। तो स्ट्रेट अवे ये रिजल्ट हमें मिल जाता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स, इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स। सो आई होप ये बेसिक बेसिक बातें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें समझ में आ रही है, तुम इसको ध्यान रख रहे हो। लास्ट जो दो रह गया ना, sec x और cosec x, इसकी जो इंटीग्रेशन है ये भी इसी फॉर्म से निकल के आती है, बट अगर तुमने एक बार इसको पहले कर रखा है तो ध्यान रहेगा, अदरवाइज इसको ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। देखो जैसे तुम अभी कर लोगे तो बाद में इसके आगे तुम्हें ध्यान रहेगा। जैसे इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें f डैश x अपॉन f x डायरेक्टली दिखता नहीं है, जैसे tan में और cot में दिख गया, यहाँ पे आसानी से नहीं दिखता, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे क्या है ना, यहाँ तुम्हारे पास sec x है, ऐसा करो ऊपर नीचे sec x plus tan x को ऐड कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, sec x plus tan x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा कर सकते हैं ना, किसी भी एक्सप्रेशन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वो नॉन जीरो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जीरो से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना तो यूजलेस है ना। अच्छा अब जरा सोच के देखो, अब डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, sec x plus tan x, इफ यू डिफरेंशिएट sec x व्हाट डू यू गेट, sec x tan x, एंड इफ यू डिफरेंशिएट tan x व्हाट डू यू गेट, sec square x। ऊपर क्या है तुम्हारे पास, sec square x plus sec tan x, इज इट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यस। यानी कि ये भी कौन सा फॉर्म है, f dash x upon fx, तो आंसर क्या होगा, log of fx, what is fx, it is sec x plus tan x, ठीक है, sec x plus tan x। आई होप ये बातें आप समझ रहे हैं और प्रॉपरली आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सिमिलरली cosec x, ये वाली बात भी ना, ये वाली बात भी अगर हमने पहले कर रखी है तब तो सही है, नहीं तो ये sec और cosec वाली बात एकदम से एग्जाम में क्लिक नहीं करती, हालांकि बहुत बेसिक बात है, आई एम श्योर आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये ध्यान रहेगा। तो देखो cosec x में भी क्या होता है, अब हमें यहाँ पे भी ना वो f' x और fx इतना आसानी से दिखता नहीं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा सोचते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि cosec x माइनस cot x अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, cosec x माइनस cot x, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह पे हमने नॉन जीरो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया। तो अब बस ये सोचना है कि ये जो डिनोमिनेटर है मेरे पास cosec x माइनस cot x, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, आओ इसको अलग से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। fx क्या है अपना, fx है अपना cosec x माइनस cot x, ठीक है, cosec x माइनस cot x, परफेक्ट। अच्छा भैया अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा सो व्हाट विल आई गेट, cosec x का क्या मिलता है, माइनस cosec x इंटू cot x। I hope you remember that differentiation, minus cosec x into cot x. और cot x का क्या मिलता है, minus cosec square x, तो minus का minus क्या हो जाएगा हमारे पास, plus होगा, so that will be what, plus cosec square x. अच्छा अब जरा सोचते हैं क्या numerator में हमारे पास same है क्या, अच्छा plus cosec square x minus cosec x cot x, ओ हो बात बन जाती है, यानी एक बार अगर तुम इस बात को ध्यान रख लो तो तुम्हें इसको समझने में और याद रखने में ज्यादा परेशानी नहीं आती है। हाँ इतनी बात जरूर है, इसमें कई बार मैंने देखा है बच्चों को एज एन एग्जामिनर जब मैं कॉपी चेक करता था, देखता था बच्चे कई बार ना इसमें उल्टा भी लिख देते हैं, खास करके ये cosec वाले में लिख देते हैं log of cot x minus cosec x, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल। हालांकि आप डिबेट कर सकते हो कि सर यहाँ तो मॉडुलस लगा है, हाउ विल मेक अ डिफरेंस, है ना, मॉडुलस है तो सारी बातें सही है, तो
ये डिबेट तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता है कि मॉडुलस हमने सिर्फ लॉग की वजह से लगाया है, और यहाँ पे अगर हमारे पास नीचे कॉटेक्स माइनस कॉसेक एक्स होता तो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली उल्टा होता है ना, तो माइनस साइन वहां पे आपके पास बाहर आ जाता। सो प्लीज रिमेंबर द ऑर्डर, इट इज कॉसेक एक्स माइनस कॉटेक्स। एक दो बार अगर डिराइव करने की प्रैक्टिस कर लोगे तो इजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर वी वेंट टू द एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे ये चार बातें जो कि इन्हीं बेसिक्स पे बेस्ड हैं जो आपने अभी अभी यहाँ पे सीखी और पढ़ी, राइट, कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, सो दैट इज व्हाट लॉग ऑफ एफ एक्स, और अगर कभी भी एफ एक्स की पावर एन है और साथ में एफ डैश एक्स डी एक्स है तो ये सब सब्स्टिट्यूट है। एफ एक्स को तुमने जैसे ही टी लिया तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी से रिप्लेस होगा एंड इट विल बी व्हाट टी की पावर एन इनटू डी टी, राइट। आओ चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 19.9, एंड लेट्स क्विकली सी व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस डू वी हैव, हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस। तो अगेन यहाँ पे मुझे फिर से, अब देखो सोचने का तरीका है, राइट, तुम अगर सही तरीके से सोच पा रहे हो, चीजें दिख रही हैं, फिर तो सब बढ़िया है, अदरवाइज टेंशन वाली बात हो जाती है। तो बड़े आसानी से दिखता है कि अच्छा लॉग एक्स है, अगर मैं लॉग एक्स को टी लेता हूँ, अगर मैं लॉग एक्स को टी लेता हूँ तो मुझे एफ डैश एक्स कैसा दिखता है, 1/x की तरह दिखता है। तो अच्छा ऐसी बात है, मतलब अगर मैं इसको आई बोल रहा हूँ तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आप लॉग एक्स को टी लेते हो तो बताओ डी टी बाई डी एक्स कितना आया, 1/x आया कि नहीं, है ना। नाउ हाउ वुड यू सब्स्टिट्यूट दिस, ये आपके पास डी टी है और डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू आप किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू आप डी टी से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो आई एक्सप्रेशन था, बताओ जरा मुझे लॉग एक्स कितना रह गया, टी रह गया, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना आ गया आपके, डी एक्स बाई एक्स कितना आ गया, दैट इज कमिंग आउट टू बी टी। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर सर्टेनली इज टी स्क्वायर अपॉन 2 + c। व्हाट इज टी हेयर, टी इज लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, टी इज लॉग ऑफ एक्स। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आओ एक दो और क्वेश्चन सोचते हैं, जैसे रैंडमली टेकिंग, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसके बारे में जरा सोच के देखते हैं, इस केस में कैसे डील करेंगे। अच्छा यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है और इसकी पावर 1/3 है, 1/3। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कॉस एक्स को टी ले लूं तब तो बात बन जाएगी, है ना, कॉस एक्स को अगर हम लोग टी ले लें तब तो बात बड़े आसानी से बन जाती है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। ओके अब हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें, आइए देखते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिखता हूँ कॉस एक्स रेज टू द पावर 2/3, चलेगा क्या, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं कॉस एक्स को टी लेता तो मुझे माइनस साइन एक्स चाहिए, तो कोई बात नहीं ऐसा करते हैं माइनस साइन यहाँ लगा लेते हैं और -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको, क्या ये आपको कुछ जाना पहचाना फॉर्म नहीं दिख रहा, देखो ये कैसा फॉर्म है, एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, दिस इज ऑलवेज एफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास एफ एक्स क्या दिखा, कॉस एक्स दिखा, एन कितना दिखा, 2/3 दिखा, एफ डैश एक्स क्या दिख रहा है आपको, साइन एक्स माइनस साइन एक्स दिख रहा है, हमने माइनस साइन क्रिएट कर लिया, नहीं था क्रिएट कर लिया, क्या टेंशन। तो बताओ इसका आंसर क्या, स्ट्रेट अवे हम नहीं लिखना चाहिए कि -1 एज इट इज होगा और कॉस एक्स की पार 2/3 + 1, 2/3 + 1 क्या 5/3 लिख दूं, ठीक है, 5/3 upon 5/3, सो दैट 5 वुड कम हेयर एंड 3 वुड गो इन द न्यूमरेटर प्लस सी, ठीक है। तो हमें फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से देना चाहिए, -3/5 कॉस ऑफ एक्स रेज टू द पार 5/3 + c, ठीक है बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट। गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, राइट, देखो ये छोटी सी जगह अपने पास बची है, इतने में हम ये क्वेश्चन नंबर 9 करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कलर्स अलग अलग यूज किए ताकि क्लास नोट्स में आपको पहचानने में परेशानी ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एक्स माइनस कॉस एक्स, जैसे ही मैं इसको एफ एक्स सोचता हूँ तो मुझे एफ डैश एक्स ऊपर दिख जाता है, एफ डैश एक्स ऊपर दिख जाता है, राइट। 1 एंड कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस विल गिव मी अ प्लस, एग्जैक्टली ये कौन सा फॉर्म है, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर एन, एन कितना है, -1/2 है, तो आंसर कितना होगा,
fx, fx is what? Fx is x minus cos of x whole raised to the power n plus 1 minus half plus 1. Kitna hoga? Plus half. Plus half ko kya main aisa likh dun? Theek hai? Divided by n plus 1, yani ki plus half. To 1 to aise hi reh jayega, ye twice aa jayega. Theek hai? Plus c. Bilkul oral questions hain ye sab. Theek hai? All these are what? Oral questions. I hope you get that point. Okay? Bilkul sahi hai Manan. Shabash. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट स्क्रीन से हमने थोड़े से क्वेश्चंस देखे. आइए यहां से भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं ये सिक्स्थ क्वेश्चन की, या फिर मैं आपसे बात करूं ये टेंथ क्वेश्चन की, तो कैसे इसको आप डील करने चाह रहे हो? बहुत इजी इजी क्वेश्चन है. अगेन फिर से देखो, बहुत ईजी है, बस ध्यान से तुम्हें सोचना है. राइट, वन प्लस ई की पावर एक्स को अगर मैं टी लेता हूं तो मुझे f(x) क्या दिखता है? ई की पावर एक्स. यानी ये क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, सिक्स क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपको कैसा दिख रहा है? ये आपको ऐसा दिखना चाहिए कि ये एफ डैश एक्स है, राइट, और ये एफ एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स है. अब एफ एक्स क्या है? ऑब्वियसली बात है, वन प्लस ई एक्स की पावर माइनस टू. जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस टू होगा कि नहीं? ठीक है, तो बड़े आसानी से आपको इसका आंसर क्या बोलना चाहिए? fx, what is fx? It is 1 plus e की पावर x, right? 1 plus e की पावर x, ठीक है? Raised to the power minus 2 plus 1, which is minus 1, upon minus 2 plus 1, which is minus 1, plus c. What would you say as the final answer? This is minus of this 1 plus e raised to the power x plus c. That is all. Okay. What can be said about question number 10? What can we say about question number 10? क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में क्या बात कर सकते हैं? सोच के देखो. अब अगेन साइन इनवर्स एक्स, राइट, साइन इनवर्स एक्स. तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी लेता हूं तो तुम्हें एफ डैश एक्स दिखता है क्या? देखो, है ना, और थोड़ा सा इसको डिटेल में कर देता हूं. हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें डेरिवेटिव्स ध्यान में है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टेंशन वाली बात नहीं है. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन में है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की पावर होल टू. ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कैसे देखना शुरू करें. आप हमेशा ऐसे देखना शुरू करें कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और फिर सारा काम खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब तो, है ना. क्या बोला मैंने? मैंने बोला तुम इसको अगर स्टेप बाई स्टेप देखना चाहते हो तो इसको ऐसे देख सकते थे, इसको टी लेते तो बताओ डी टी बाई डी एक्स क्या होता बच्चों? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता कि नहीं? ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन तो आपको याद होना चाहिए, है ना. तो ये जो आई है इंटीग्रैंड है, इसमें मैं देखो अगर इस dx अपॉन इसको रिप्लेस करूं तो क्या सिर्फ dt रह जाएगा? dt रह जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ गया? 1 अपॉन t स्क्वायर आ गया. इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू तो माइनस 1 बाई टी प्लस सी होती है, है ना. सो व्हाट इज द आंसर? माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. ठीक है, माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं, है ना. साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको बोलते हैं 1 अपॉन साइन एक्स. ठीक है भैया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, प्लीज डोंट डू दैट. ओके, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, और अगर तुम साइन एक्स की पावर माइनस 1 करते हो तो वो एक वैल्यू होती है, उसकी बात अलग है, है ना. ये दोनों चीजें सेपरेट हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसी गलतियां कभी मत कीजिएगा. ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट. चलो बहुत अच्छी बात है. अब मुझे कुछ और क्वेश्चंस यहाँ से आगे से हम लोग देखते हैं. लेट्स सी, तो मूविंग ऑन टू मोर क्वेश्चंस, राइट. अब जैसे यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी सोचोगे तो यहाँ पे साइन एक्स है ना, और ऊपर कॉस क्यूब एक्स है. अब ऑब्वियसली बात है, कॉस एक्स को टी लेके तो बात नहीं बनेगी, है ना. कॉस एक्स को टी लेके बिल्कुल बात नहीं बनेगी. तो कैसे सोचे जाए? तो अगर इसको हम ऐसे सोचें कि इसको ना एक तो ले लेते हैं cos square x, ठीक है, और एक ले लेते हैं cos x, चलेगा ना, ऐसा तो कोई टेंशन नहीं है, और अंडर रूट साइन x है. तो जो भी चीज ना इंटीग्रेट करने में परेशानी करती है, हम हमेशा उसको सब्सटीट्यूट करते हैं. तो परेशानी मुझे ना इस अंडर रूट साइन x से सबसे ज्यादा हो रही है, अंडर रूट साइन x से. तो ऑब्वियसली बात है, मैं इसमें t किसको लूंगा? मैं इसमें साइन x को t लूंगा. ठीक है, अच्छा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जब मैं dt by dx लूंगा, so I would be getting a cos x, and hence
cos x into dx would be substituted by what? T. ठीक है, तो देखो ये जो इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास ये कैसी आ जाएगी, cos square x जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square x, ठीक है, और cos x into dx की जगह पे आपने क्या लिखा, dt लिखा, नीचे sin x को आपने t ले रखा है, तो ये कितना आ गया, 1 by under root t आ गया, और sin x t है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, सारी चीजें t में कन्वर्ट हो गई, 1 minus t square with respect to dt, and this is what, under root of t, इसकी इंटीग्रेशन तो मुझे लगता है कि आप में से कोई भी कर सकते हैं, t की पावर माइनस वन बाई टू विद रिस्पेक्ट टू डी टी, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, द सेकंड वन इज माइनस ऑफ t रेस टू द पावर, दिस इज 2 एंड 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये t रेस पावर 3 बाई 2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, t रेस पावर माइनस हाफ प्लस 1 विच इज प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा t रेस टू द पावर 3 by 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 by 2 हो जाएगा, right, upon 5 by 2, तो 5 इधर और 2 इधर और साथ में plus c, ultimately t के जगह पे आप क्या रखोगे, sin x रखोगे, ठीक है, तो इस तरीके से values हमेशा सही सही आ जाया करेंगी, अगर हम calculation में थोड़े careful रहते हैं और सारी चीजें संभल के करते हैं, ठीक है, 5 by 2 plus c, that's all. 17th question बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है, log x को t ले लो, काम खत्म, 1 by x चला गया, इसका आंसर तो ओरली हमें बता देना चाहिए, कितना हो जाएगा, fx की पावर n plus 1 यानी कि 3 upon n plus 1, 3 साथ में कितना आ जाएगा, plus c, ठीक है, इस तरीके से आसानी से हो सकता था, अच्छा भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और नया अच्छा बेहतर मिल जाए, तो सोचते हैं, जैसे सपोज कीजिए रैंडमली हमने पिक करा, हमने क्वेश्चन नंबर 27 की बात की, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 25 तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 plus x plus sin x को जैसे ही आप t लेंगे काम खत्म, x plus sin x को जैसे t लेंगे वैसे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, एक मिनट होल्ड करना, सो दिस आल्सो सीम्स टू बी अ वेरी इजी वन, इफ यू लुक इनटू दिस, a plus b cos 2x को जैसे ही हम लोग t लेंगे काम खत्म हो जाएगा, देखो dt by dx कितना होगा बताओ, dt by dx would be b रह जाएगा आपके पास और cos 2x का minus sin 2x आएगा और साथ में 2 भी आएगा, तो minus 2 भी बोल दे, है ना, अच्छा यहाँ पे replacement थोड़ी सी different हो जाएगी, जैसे कि sin 2x into dx, this is going to be replaced by dt with negative sign upon twice of b, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रैंड है हमारे पास, अब मेरा नया इंटीग्रैंड कैसा होना चाहिए बताओ, साइन 2x इंटू dx की जगह पे मैं क्या रखूंगा, माइनस 1 बाई 2b, जो भी कांस्टेंट है उसको तो बाहर रखो, वो कोई टेंशन ही नहीं है, और dt अपॉन ये क्या आ गया, t स्क्वायर, ये तो बड़ी अच्छी बात होती है ना, dt अपॉन t स्क्वायर ये तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है, कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 बाई t, तो ये मेरे पास माइनस माइनस गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बाई 2b इंटू t plus c, t की वैल्यू एट द एंड सर्टेनली हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, सो दिस शुड बी 1 अपॉन 2b 1 plus b cos ऑफ 2x, दैट वुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलरली अगर हम 29 के बारे में सोचें तो ओवरली सोच के देखते हैं, 1 plus cos x को जैसे ही t लेंगे तो minus sin x हमारे पास आ जाएगा, तो इसका आंसर भी कैसा होगा सोच के देखो, इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए, एक तो ये माइनस साइन कॉमन आएगा और इसको जब हम अपॉन डी टी अपॉन टी स्क्वायर करेंगे नेगेटिव साइन भी है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी होगा, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हमें करनी है ताकि इन चीजों को हम ऐसे ही ओरली करना शुरू करें, ठीक है, 31st क्वेश्चन भी आओ ओरली देखते हैं, अगर मैं sec x को t सोचता हूँ तो log ऑफ sec x plus tan x मुझे कैसा दिखता है, f dash x की तरह दिखता है, तो ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, fx into f dash x, right, what is the answer, fx into f dash x, what is the answer, this would be fx raised to the power n plus 1, 1 plus 1, कितना, 2, upon n plus 1, 2 plus c, यानी कि sec square x upon 2 plus c, ठीक है, similarly, question number 33 भी सोच के देखो, x की power 4 को, जैसे ही हम लोग, x की power 4 को, जैसे ही हम लोग t लेंगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 4x क्यूब, अच्छा 4x क्यूब मिलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं, अब ये कैसा दिख रहा है,
ये दिख रहा है एफ डैश एक्स, है ना, कैसा दिख रहा है एफ डैश एक्स, ये 1/4 बाहर रखो, उससे तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये 4x³ कैसा दिखा, एफ डैश एक्स, और ये कैसा दिखा, cos ऑफ एफ एक्स, दिखा नहीं दिखा बताओ, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका आंसर तो हमें पता होना चाहिए, इसका आंसर तो cos x का कितना हो जाएगा, sin ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, राइट, sin ऑफ एफ एक्स, दैट मींस sin ऑफ x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, अनुष्का कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो बेटा। यस या यहाँ पे हमारे पास ये एफ डैश एक्स नहीं है, यू आर राइट, इस क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं, है ना, ये हमारे पास, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, आओ जरा ठीक करते हैं। तो अब ये क्योंकि इंटीग्रेशन है, तो एक बात तो पक्की है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो